स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आप सभी को इंतजार था कि कब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान होगा, क्योंकि पूर्व में एक जो तैयारियां की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगा दी गई थी और दोबारा से सर्वेक्षण किया गया पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करके, तब जाकर आरक्षण लागू किया गया। और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उसने भी आज जो अंतिम आरक्षण सूची थी उसको जारी किया है। आज उसके बाद ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दो चरणों में मतदान होगा, जिनमें पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई में होगा और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 मई में होगा। इसके अलावा जो नतीजे आएंगे वो 13 मई में आएंगे और 13 मई में प्रदेश भर में जो निकाय सीट हैं, नगर निकाय की जो सीटें हैं उन सभी के नतीजे आएंगे। लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, नाम वापसी का कब तक रहेगा और प्रतीक चिन्ह कब आवंटित किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको प्रथम चरण के लिए बता देते हैं, जिसका मतदान 4 मई को होगा। इसके लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी और 18 अप्रैल को नाम जो नामांकन होंगे उनकी समीक्षा की जाएगी, यानी उनको चेक किया जाएगा और उसके बाद 20 तारीख में नामांकन वापसी का दिन रहेगा। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं जाना चाहते वह अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, उसके लिए 20 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है प्रथम चरण के लिए। इसके अलावा 21 तारीख में सिंबल आवंटित किए जाएंगे, यानी किस प्रत्याशी को क्या सिंबल मिलेगा यह है 21 तारीख में पता चलेगा। और मतदान जो रहेगा वो 4 तारीख में रहेगा, 4 मई में, और नतीजे आएंगे 13 मई में। इसके अलावा दूसरे चरण का जो मतदान है उसके बारे में भी हम आपको बता दें, दूसरे चरण का जो मतदान है उसकी जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी वो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक शुरू होगी। 17 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। इसी दौरान नामांकन पत्र की बिक्री भी होगी और नामांकन पत्र जमा भी होंगे। इसके अलावा जो नाम इसकी जो समीक्षा का दिन रहेगा वो 25 अप्रैल रहेगा और नाम वापसी के लिए 27 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है, यानी 27 अप्रैल को जो प्रत्याशी दूसरे चरण में चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 11 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख में इसमें नतीजे आएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रथम चरण में किस जिले को रखा गया है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता दें। सहारनपुर मंडल की हम बात कर लेते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जनपद जो रखे गए हैं वो प्रथम चरण में रखे गए हैं, यानी सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पालिका और नगर निगम और नगर पंचायत की सीटों पर जो मतदान होगा, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासदों के और पार्षदों के लिए जो मतदान होगा वो प्रथम चरण में होगा। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल रखा गया है, मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जिलों को इसमें रखा गया है, वह भी प्रथम चरण में ही मतदान होगा। इसके अलावा आगरा मंडल को रखा गया है, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी, यानी इसमें भी प्रथम चरण में ही मतदान होगा। इसके अलावा जो मेरठ मंडल है, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत बुलंदशहर, इनमें दूसरे चरण में मतदान होगा। बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन सभी मंडलों में जो चुनाव होगा वो दूसरे चरण में होगा। और पहले चरण में जिन मंडलों में होगा उनके बारे में भी हम एक बार आपको बता देते हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी, इन सभी मंडलों में जो चुनाव होगा वो प्रथम चरण में होगा, यानी सहारनपुर मंडल में जो चुनाव होने जा रहा है वो प्रथम चरण में होगा। और प्रथम चरण में सभी की जो प्रत्याशी हैं 4 मई में सभी की जो किस्मत है वो मतपेटियों में बंद हो जाएंगी और 13 मई में भाग्य का फैसला होगा कौन इस बार नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर की सीट पर कब्जा करेगा, यह 13 तारीख में खुलासा हो जाएगा। आगे के अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ, नगर निकाय की तमाम अपडेट हम आपको देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर